हाल ही में जेनेलिया डिसूजा को मुंबई एयरपोर्ट पर बच्चों के साथ स्पॉट किया गया, इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। हाल ही में ऋतिक रोशन को उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ मुंबई के जुहू में एक सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। ऋतिक और सबा के साथ रेहान और रिदान भी थे। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेत्री मुनमुन दत्ता और युविका चौधरी द्वारा जाति सूचक टिप्पणी केस में हिसार के एडिशनल सेशन जज विवेक सिंगल की विशेष कोर्ट में एसपी क्राइम पंचकुला सुरेश कुमार ने एफिडेविट दायर किया है। टीवी का मशहूर रियलिटी शो रोडीज जल्द छोटे पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि रिया की दूसरी गैंग लीडर्स के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसके बाद रोडीज से रिया चक्रवर्ती की छुट्टी हो सकती है। अर्चना जल्द ही टीवी के पॉपुलर स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी में जान की बाजी लगाती दिखाई देने वाली हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अर्चना उन चीजों के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड की धाकड़ अदाकारा हैं, कई बार वह विवादों के चलते सुर्खियों में आ चुकी हैं। वहीं अब हाल ही में जब कंगना से एक इंटरव्यू के दौरान उस मुआवजे के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। बीते दिनों आलिया भट्ट ने मैट गाला 2023 में डेब्यू किया, उसी दौरान दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपना ऑस्कर लुक शेयर कर डाला। इसे लेकर यूजर्स ने उन्हें ये कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। दीपिका ने आलिया की खूब तारीफ की, जिसके बाद ट्रोलर्स की बोलती बंद हो गई। समांथा रुद्रप्रभु और नागा चैतन्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रियल लाइफ कपल्स में से एक थे, लेकिन तलाक के बाद अब इस दौरान नागा चैतन्या ने एक्स वाइफ समांथा की तारीफ में कहा, समांथा एक प्यारे इंसान है और सभी खुशियों की हकदार है। करण और तेजस्वी के प्यार की कहानी की शुरुआत बिग बॉस 15 के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों कलाकार एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हाल ही में करण ने अपने रिश्ते को औपचारिक बनाने की अपनी योजना के बारे में बात की है और कहा है कि वह मैच्योर लवर्स हैं, ना कि निब्बा निब्बी। द केरल स्टोरी के सपोर्ट में आए पीएम मोदी ने कहा कि ये फिल्म समाज में आतंकवाद को उजागर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें बम बंदूक और पिस्तौल वाले आतंकवाद की आवाज़ तो सुनाई देती है।